विथ RS232 कंप्यूटर इंटरफेस फंक्शन और विथ पेन ड्राइव सपोर्ट के लिए है। आपको वेइंग मशीन ऑन करके ये जो चार कीज़ दिए इसमें से कैल एंटर की प्रेस करना है एक बार। तो यहाँ पे कंपनी नेम डेट टाइम वेट आएगा। अभी आप जो भी वेट रख के ऐड करेंगे, वेट रखना है, सेम बटन से ऐड करना है, वेट निकालना है, सेम बटन से फिर से ऐड करना है। आप जो जो वेट ऐड कर रहे हैं वो सारा वेट इसमें आ रहा है, इस तरीके से आएगा। टोटल वेट ऐड करने के बाद आपको कैल पी की प्रेस करना है, तो यहाँ से ये टोटल वेट का प्रिंट निकल जाएगा और इस तरीके से डेटा आ जाएगा। ये की और ये की दोनों का फंक्शन सेम है। आपको ज़्यादा यूज़ करना है तो ये मेन इंडस्ट्रियल की का यूज़ करना है। दोनों का फंक्शन सेम है, वेट ऐड करने के लिए ये की यूज़ करना है आपको। पेन ड्राइव में डेटा कॉपी करने के लिए सबसे पहले वेइंग मशीन को ऑफ़ कर देना है। ऑफ करके पेन ड्राइव का स्लॉट में पेन ड्राइव इंसर्ट करना है। पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद आपको टैर की प्रेस करके रखना है और वेइंग मशीन को ऑन करना है। जब भी पास लिख के आए तभी की को छोड़ देना है। फिर एक बार प्रेस करेंगे USB 1 आएगा। इस तरीके से आपको कंप्लीट करके आएगा, प्रिंट में भी सेम कंप्लीट डेटा दिखेगा। ये आपका डेटा पेन ड्राइव में कॉपी हो चुका है। PC में पेन ड्राइव इंसर्ट करने के बाद आपको इस तरीके का फाइल दिखाएगा, लॉग फाइल। आपको ये लॉग फाइल पे डबल क्लिक करना है। ओपन होने के बाद आपको इस तरीके से लॉग शो करेगा, डेट टाइम वेट, इस तरीके से जो प्रिंट का डेटा है आपका 5.20 kg, सेम डेटा आपको शो करेगा 5.2 ग्रॉस वेट का। आपका जितना प्रिंट निकल रहा है सारा डेटा ये इंडिकेटर में वेइंग मशीन में सेव हो रहा है। अभी ये 2000 से 3000 का इसका लाइन डेटा सेव होगा। ये डेटा फुल हो जाए इसको इरेज करने के लिए आपको ये टैर की प्रेस करके रखना है, लॉन्ग प्रेस करना है। यहाँ पे क्लियर आ जाएगा, फिर वेइंग मशीन नॉर्मल मोड में आ जाएगा। इसका मीन्स कि ये